तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि समोसे कैसे बनाए जाते हैं। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूंदना पड़ेगा मैदा। मैदा ना हमारा ज्यादा ढीला होना चाहिए ना ज्यादा टाइट, और गूंदने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। मैदे की डो को अच्छी तरह बेलेंगे और उसको चाकू से हाफ कर देंगे। ये हमारा बैटर हमने बना लिया है, उसके बाद जो बेलने के बाद इस पर फोल्ड कर समोसा बनाने के हल्का सा पानी लगाएंगे ऊपर से, हल्के हाथ से इसको मोल्ड करना है। ये कुप्पी की शेप में बन जाएगा, आप देखिए ये तिकोना। थोड़े से आलू या जो भी आप इसमें मिक्सर डालना चाहें, दोबारा से हल्का सा इस पर पानी लगाना है मोल्ड करने के लिए ताकि अच्छे से चिपक जाए। अभी आप देख सकते हैं हमारा समोसा आगे और पीछे दोनों साइड से चिपक गया है ताकि इसके अंदर घी ना जा सके। और ये हमारे बन गए हैं समोसे, अब देखिए साइज इनका। ये आलू की फिलिंग वाले समोसे, अब इसमें चाउमीन, सोयाबीन, जो भी अपनी इच्छा अनुसार बनना चाहे वो बन जाएंगे। ये हमने कढ़ाई रख दी है ऊपर गैस के ऊपर, और हल्का सा इसको ना ज़्यादा तेल ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना कम गर्म होना चाहिए, हल्का मीडियम होना चाहिए ताकि ना समोसा ज़्यादा जल जाए और ना कच्चा रह जाए। तो इसको हमेशा हम डीप फ्राई करेंगे, हल्की आँच में डालेंगे। हल्की आँच में डालने का फ़ायदा ये रहता है कि समोसा क्योंकि मैदे से बना होता है तो ऐसा नहीं होता कि मैदा फिर कच्चा रह जाए, मैदा अंदर तक पक जाता है इसे। अब इसको हल्का ब्राउन होने तक हम हल्की फ्लेम पर तलेंगे इसे, ज़्यादा फ्लेम नहीं करने। अब आप देखिए हमारे समोसे ऑलमोस्ट रेडी हैं, बिल्कुल इसका गोल्डन कलर आ चुका है, यानी ये पक गए हैं अच्छी तरह। अब आगे पीछे से एक बार इसे हिला के देख लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से बन चुके हैं। अब इसको तेल निकाल के इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हैं। सो ग्रीन चटनी या फिर रेड केचप वाली चटनी किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।